गिरफ्तार आरोपियों की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होनी है। नूह पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये इस वक्त अपडेट आपको कर दें, ब्रेकिंग न्यूज ये है नूह हिंसा से जुड़ी हुई कि गिरफ्तार आरोपियों की थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होनी है, जहां नूह पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन गिरफ्तार लोगों को अब कोर्ट में पेश किया जाना है अब से थोड़ी देर। और ये हिंसा के जो आरोपी हैं उन सबकी पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा ये किस तरह से मुंह पर सभी ने मास्क लगा रखे हैं। ये सभी आरोपी हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया एक्सक्लूसिव तौर पर। आज तक आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं जो भी ये गिरफ्तार किए गए हिंसा से जुड़े हुए आरोपी, उनकी ये पहली तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर, देखिए जरा। तो नूह मेवात में जो हिंसा हुई और इनके आरोपियों की पहली तस्वीर आप सभी को हम दिखा रहे हैं। और सभी ने आप देख लीजिए चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और उस वक्त ये खुलेआम किस तरह से हिंसा कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे सड़कों पर। कोई पत्थरबाजी, कोई तलवार जिसके जो हाथ में मिला, क्षतिग्रस्त किया पुलिस की गाड़ियों को, वाहनों को आग लगाई गई और पुलिस वालों को भी चोटिल किया। अब वो आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी ये पहली तस्वीर है, कमरे में इनको बंद करके रखा गया है। तमाम ये आरोपी नजर आ रहे हैं, आप गिन लीजिए। सुशांत मेहरा ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, पहली तस्वीर आ चुकी है, जो आरोपी हैं इनमें कई लोग शामिल हैं, कितने नजर आ रहे हैं और क्या कुछ पुलिस कह रही है? आशुतोष, बता दूं ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 19 वो आरोपी हैं जिन्होंने नूह में सड़कों पर आगजनी करी, गाड़ियों में तोड़फोड़ करी, दुकानों को लूटा। इन तमाम आरोपियों को 307 के तहत जो है वो फिलहाल हिरासत में लिया गया। अब से थोड़ी देर बाद इनको कोर्ट में जो है वो फिलहाल पेश किया जाएगा, जहां पर इनकी इनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स और उसकी जो इसके अगर कहा जाए तो इनको न्यायिक हिरासत में और तमाम जो इनको लिया जाएगा, कोर्ट की तरफ से इजाजत ली जाएगी कि किस तरीके से इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। फिलहाल ये 19 आरोपी हैं जिनको लूटपाट और पूरे नूह इलाके के अंदर मेवात में जो हिंसा हुई थी 31 जुलाई को, उस दौरान इन्होंने सड़कों पर आगजनी करी थी, पथराव किए थे, गाड़ियों को लूटा था, दुकानों को लूटा था। ये तस्वीरों में साफ तौर पर ये आरोपी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरी वारदातों को जो है वो अंजाम दिया था। फिलहाल इसके अलावा भी कई सारे आरोपी हैं, करीबन 139 आरोपी हैं जिनको हरियाणा पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया। इसके अलावा 25 ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने जिनके ऊपर कई सारे 302 के तहत मुकदमे जो है वो दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही है। इसमें कई सारे गांव के आसपास के जो इलाके हैं, खास तौर पर अगर कहा जाए शिंगारपुर गाँव है और इसके अलावा पुराना गाँव है, इन तमाम गाँवों के भी लोगों में इलाकों में जा करके पुलिस जो है वो धरपकड़ कर रही है, क्योंकि कई सारे आरोपी अभी छुपे हुए हैं, गायब हैं। इस वारदातों को अंजाम देने के बाद, इन घटनाओं को अंजाम देने के बाद गायब हैं और घरों पर धरपकड़ जो है वो पुलिस की तरफ से दिन रात जो है वो इस वक्त की जा रही है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई थी, सड़कों पर आग जली गई जा रही थी, पथराव, गोलियां चलाई जा रही थी, उन तमाम फुटेज के आधार पर भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है वो पकड़ा जाए। इलाके में अभी किस तरह के हालात हैं, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा नूह इलाका हो और मेवात का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के अंदर कहा जाए तो पूरा सेक्शन 144 इम्पोज है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सड़कों पर एक भी व्यक्ति जो है वो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पुलिस बल ही इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा इक्का दुक्का अगर कोई शख्स नजर आ रहा है तो उसको तुरंत जो है वो घर वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो आरोपी हमें नजर आ रहे हैं, जिनकी संख्या आप 19 बता रहे हैं, जो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या यही मुख्य आरोपी है या इसके पीछे भी मास्टरमाइंड और बताए जा रहे हैं, कुछ और आरोपी है दोनों पक्षों से जो की अभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें कई और आरोपी भी शामिल हैं जिसको धरपकड़ अभी जारी है और कई सारे और आरोपियों को जो है फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और उनको भी जल्द से जल्द कोर्ट में जो है वो फिलहाल पेश किया जाएगा। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि कोर्ट के सामने ये दिखाया जाए, बताया जा सके कि कौन इस पूरे मामले के अंदर आरोपी शामिल थे। और इन लोगों ने जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अभी कोर्ट में पेशी होनी है, क्या ये पुलिस से इन्होंने अपना कुछ जुर्म कबूल किया है और कुछ इन्होंने जानकारी साझा की है कि कौन कौन और लोग शामिल थे? क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों को तो पता होगा और कितने लोग इन्वॉल्वमेंट उनकी होगी उसमें भागीदारी। देखिए, फिलहाल हमने कोशिश जरूर की थी इन लोगों से बातचीत करने के लिए कि आखिरकार क्यों आपने इस बुरी तरीके से घटना को अंजाम दिया। ये साफ तौर पर मना करते नजर आ रहे हैं कि हमने किसी प्रकार की इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, वो बेगुनाह है। लेकिन पुलिस बेवजह बिना फुटेज के आधार पर किसी भी तरीके से आरोपी को जो है वो नहीं उठाती और यही वजह है कि पुलिस ने पूरी तहकीकात करने के बाद ही आरोपियों को जो है वो अलग अलग जिले, अलग अलग गाँव के और जो खास तौर पर नूह जहाँ पर ये मेन हिंसाएं हुई हैं उन इलाकों से जो है वो लोगों को डिटेन किया है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा संवेदनशील इलाका है जहां जहां हिंसा हुई, जो जो इलाका है वहां पर कितने रैपिड एक्शन फोर्स, कितनी बटालियन और कौन कौन सी अभी फोर्सेस की बात करें तो उनकी तैनाती है और कितने संख्या होगी राज्य पुलिस के? सुशांत,
इधर कई सारे जो जिले के अगर कहा आपके जाए पास तो वापस आएंगे, लेकिन ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, एक तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं ये आरोपियों की पहली तस्वीर है, इसमें 19 संख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी और कुछ लोग गिरफ्त में होंगे दोनों पक्षों की तरफ से, पुलिस अभी धरपकड़ कर रही है, गांव गांव जाकर तलाशी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नू मेमात में जो हिंसा हुई 31 जुलाई 2023 की तस्वीर, किस तरह से पूरा इलाका हिंसा की आगोश में, आगजनी की गई, तोड़फोड़, गाड़ियों में जितने भी वाहन थे आसपास फूके गए, पुलिस वालों को जख्मी किया गया, लोगों पर पत्थरबाजी हुई, दो समुदाय आमने सामने थे और परिणाम क्या था ये देखिए, लेकिन उसका अंत क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। पुलिस कस्टडी में फिलहाल हैं, आरोपियों की पहली तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इन सभी की कोर्ट में पेशी होगी। कानून का जब चाबुक चलता है तो फिर आपको समझ में आता है कि आपने गलती की और गुनाह किया तो उसका सजा क्या है। अब देखिए आपके साथ साथ पूरा परिवार भी भुगतेगा, तो इसलिए सबक लेना चाहिए। लेकिन दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर आपको जो आज तक दिखा रहा है आरोपियों की, ये पहली तस्वीर है, ये वो तस्वीर है, ये वो लोग हैं जो मुंह पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ये आरोपी हैं जो हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं।